और मुझे नहीं पता कैमरा अलाउ है कि नहीं। आपके ग्लास से लग रहा है कि आप बहुत बिना ग्लास वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है। गाइस उमानंद टेम्पल जाने के लिए हमको फेरी लेके जाना पड़ेगा वहाँ तक, और ये गवर्नमेंट की तरफ से है। आप देख सकते हो ये वाला जो है टिकट काउंटर, और यहाँ पे पूरा लिखा गया है टाइमिंग शेड्यूल और कितना प्राइस है यहाँ पे लिखा गया है। 20 रुपीज़ लगता है, और ये है फेरी आप देख सकते हो। और यहाँ से टिकट करने के बाद वहाँ चेक इन करके फिर जाएंगे हम लोग शायद घूमने, तो देखते हैं कैसे टिकट लेते हैं। एक एक सौम्य रंजन 9995 9980। हाँ भुवनेश्वर उड़ीसा, मतलब ये आने जाने का है ना अलग है। थैंक यू। हो गया हमारा टिकट, अभी निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमको अपना सिग्नेचर करके जाना पड़ेगा, वहाँ से टिकट किए और यहाँ से सिग्नेचर। जाइए ना। ओके ओके थैंक यू। हाँ ये वाला आप देख सकते हो, ये है फेरी जो गुवाहाटी में हमको मिलेगा। ये जो टेंपल है आप देख सकते हो, वो टेंपल तक हमें लेके जाएगा, वो उमानंदा टेंपल है। और ये फेरी ऐसे टाइप का कुछ दिखता है, और ये लाइफ जैकेट जैसा अगर वो लगा गया है। और ये फेरी का नाम है एम वी सोनाय। तो इसमें हम जाएंगे उसके अंदर, और यहाँ पे शायद अंदर बैठने के लिए ऐसे लगाया गया है सीट, आप बैठ सकते हो। और ये सीट है, हम चाहे तो ऊपर भी जा सकते हैं, पूछ लेते हैं, नहीं तो ऊपर जाएंगे कि नहीं। नहीं पहले तो ये पीछे में देख लेते हैं कैसा है। ये ऐसा है, आप देख सकते हो ऐसे ही डिज़ाइन है। और ये आपका फेरी का कुछ लॉक है, और ये वाला पूरा पीछे वाला पार्ट, और ये वाला ऊपर अलाउ है। ओके ओके तो ऊपर तो अलाउ नहीं है, और हम लोग नीचे में ही बैठेंगे। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और ऊपर जो है वो रोप वे है, और वहाँ से स्टार्ट होता है ये हमारा फेरी है। और हम लोग अभी ये टेंपल को पास जाएंगे, आप देख सकते हो ये ब्रह्मपुत्र नदी है और बहुत सारे लोग हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और हम पहुंच गए टेंपल के पास। ये है हमारा फेरी MV Sonaya, और इसमें हम लोग ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो उसी के बीच में एक आइलैंड जैसा बनाया हुआ है, तो वहाँ पे उमानंदा जो भगवान है, गॉड है, वो प्रेजेंट है और पूरा चांट कर रहे हैं सब कोई भक्ति में। पे भी एक फेरी है जो इंतज़ार कर रहा है, वहाँ से लोग आने के बाद उनको लेके वहाँ पे फिर जाएगा वो डेस्टिनेशन में।
ये देख सकते हो आप, हम लोग पहुंच गए हैं उमानंदा टेंपल के पास। अभी हम लोग का ये प्रोसेस चल रहा है उतरने का। अभी उतर के हम टेंपल के अंदर प्रवेश करेंगे। बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं टेंपल के पास, उमानंदा टेंपल। और हम अभी उमानंदा टेंपल के तरफ एंटर करेंगे फेरी से उतर के। इससे हम क्रॉस करके और टेंपल के पास जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये सामने जो है वो गेट है। ये फेरी से हम लोग आए, अभी लोग पूरा निकल रहे हैं और टेंपल के तरफ जा रहे हैं। जो एंट्री पॉइंट है आप देख सकते हो, और ये सामने आपको ऐसे दुकान मिल जाएगा जो फ्रूट्स बेचते हैं। और ये वाला फेरी से पूरा निकल के आ रहा है, मैं इसी फेरी से आया। चलिए हम चलते हैं, हम उमानंदा टेंपल के तरफ आगे बढ़ते हुए। वर्क इन प्रोग्रेस उमानंदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ये मतलब स्मार्ट सिटी के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा गया है कि शूज़ आप रखने के लिए रख के आप जा सकते हो ऊपर। तो हम क्या करते हैं, तो इधर अपना शूज़ रखते हैं और ऊपर जाते हैं। फिर गाइस अभी हम ऊपर इसकी तरफ जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता कैमरा अलाउ है कि नहीं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन किधर है हम देखते हैं। और ये कुछ आप देख सकते हो, नेम ऑफ द स्कीम APTCL स्कीम, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ असम। प्रोजेक्ट लोकेशन श्री श्री उमानंदा देवालया। ओके, ये कौन से चीज़ का प्रोजेक्ट है? इंटरेक्टिव स्टैंड एलोन रूप टॉप ग्राउंड माउंटेड SPV पावर प्लांट विथ बैटरी बैकअप इन डिफरेंट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल लोकेशन, इम्पोर्टेंट रिलीजन प्लेस लाइक 17 ETC। यह एक स्कीम है पावर बैकअप का, तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा। हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है कि सोलर सिस्टम भी लगाया गया है। बी अवेयर ऑफ लो बीम, सिर को चोट लगने से बचाकर चलिए। ओके, आगे तो फोटोग्राफी करना मना है, तो हम लोग तो अंदर नहीं दिखा सकते। बाहर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये वाला, ये सोलर पैनल लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये आपका टेंपल है, और देखिए अंदर तो नहीं जा सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो मंदिर से निकल के बात करते हैं फिर। ये आप देख रहे हो उमानंदा टेंपल, और यहाँ पे हमने भगवान के दर्शन करके फिर इसी फेरी से हम रिटर्न कर रहे हैं। और ये पूरा सब कोई लोग देख रहे हो, सब कोई खड़े हैं और जाने के लिए। और ये वाला जो है आपको दिखाऊँ, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, और यह इसी के बीच ये उमानंदा का टेंपल आप देख रहे हो ऊपर में है। और यहाँ से आप देख सकते हो रोपवे भी है, जैसे दार्जिलिंग में है वैसे टाइप का, यहाँ से वो बीच में कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ लेके नहीं जा, मतलब यहाँ पे आप रोपवे मतलब नहीं ले सकते, फिर उस साइड जाना पड़ेगा, नहीं तो इस साइड। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी का पूरा नज़ारा आप देख सकते हो, और उसके अंदर ये फेरी आपको दिखाई देगा, MV मेघना फेरी का नाम है। और ये शायद फुल होने के बाद ही ये छोड़ेगा। अंदर तो सब लोग बैठ गए हैं, बाहर में भी फुल हो जाएगा तो छोड़ेगा। भाई आप कहाँ से आए हो? कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा, आप भी?
कहाँ से? यूपी। यूपी, यूपी। और आप? हरियाणा। हरियाणा। और आप? हरियाणा। यूपी। यूपी। आपका नाम क्या है? पारस तोमर। और आपका? आकाश भाई। और आपका? और आपका? लोकेश तोमर। ओके, तो यहाँ पे मतलब घूमने के लिए आप आए थे ना, ये जो टेंपल है? हाँ, दर्शन के लिए। दर्शन के लिए मतलब का, मतलब कितने दिन का टूर है ये गुवाहाटी में आपका? हमारा एक एक वीक का है। एक वीक का है क्या? इधर ही गुवाहाटी या और किधर जाओ? गुवाहाटी, शिलोंग, चेरापूंजी। चेरापूंजी ये सब जाके पूरा कवर करके रिटर्न करना है। ओके, तो कुछ बताओ कैसा एक्सपीरियंस लगा? हाँ, यहाँ पहली बार आई होगा? हाँ, मेरा तो ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम। मैं ओडिशा से हूँ और बेसिकली मैं बैंगलोर में रहता हूँ। तो यहाँ पर मतलब घूमने आए हो? कामाख्या मंदिर गए आप? कामाख्या मंदिर? कामाख्या मंदिर हाँ, उधर से ही आया। मतलब इधर रहता है कि आप अगर कामाख्या के दर्शन करते हो तो वहाँ से यहाँ पे आके दर्शन करना है, तो अच्छा रहता है। जी हाँ हाँ, पूरा गया, तो उधर से आया। तो आप लोग पढ़ते हो क्या, जॉब करते हो? हाँ, क्या पढ़ते हो आप लोग? पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली? ओके, तो यहाँ पे हम मतलब घूमने के लिए आया। तो मतलब क्या पढ़ते हो आप लोग उधर? ग्रेजुएशन कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो, कौन से चीज़ पे? बीकॉम। बीकॉम, तो आप चार्टर्ड अकाउंट बनोगे? ठीक है यार, आप लोग से मिल के अच्छा लगा। नहीं है, वो चलता रहेगा पूरा। मैं इधर से डायरेक्ट कोलकाता। हाँ, कोलकाता से ये फिनिश हो गया। एक्चुअली मेरे को कुछ काम आया, देन नहीं तो मैं नॉर्थ ईस्ट का सीरीज करने वाला था, तो यहाँ तक कहाँ पे? नहीं नहीं गया। जाएंगे, आप बोल दिए अभी जाएंगे। क्या नाम है उसका कि बाजार बोल के? वीआईपी चौक। वीआईपी चौक में क्या मिलता है आपको? मतलब वैसे अच्छा मार्केट है। मार्केट में सब खाने का मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गुवाहाटी में तो है हाँ हाँ, सही है। तो आप लोग कहाँ मतलब रहते हो, कहाँ अभी, हॉस्टल या होटल? हम तो वैसे आ रहे हैं, मतलब कहीं नहीं, नहीं इधर नहीं रुक रहे हो? इधर भी होटल में रुक रहे हो? ओके ओके, ठीक है, चलेंगे। ओके, हेलो ब्रो, मिले जस्ट हमारा। हाँ, व्हाट्स योर नेम? लोकेश। ओके, आप कहाँ से हो? आप लोकेश है ना? ओके, आप कहाँ से हो? मैं जलगांव में आपके ग्लास से लग रहा है कि आप बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नहीं, मैं इधर से रिटर्न कर रहा हूँ, एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजन है तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नागालैंड, मणिपुर और ये इशू चल रहा है, तो मैं तो उधर ही जाता। हम तो हो क्या है, चेरापुंजी, डॉगी, हो क्या आ गए आप लोग? हाँ, हम लोग का ट्रिप यहाँ कंक्लूड हो गया।